हमारा लास्ट एग्जांपल है SO4 2-, तो इसमें सल्फर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीजन क्या है, सभी सराउंडिंग एटम्स है। तो देखो हमारे पास सल्फर है और चार ऑक्सीजन है, एक दो तीन और चार, और हर ऑक्सीजन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p4, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और आपके 2p के अंदर चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन और ये चार हो गया। हर ऑक्सीजन में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, टोटल 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन से मिले, तो सल्फर में भी 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो हमारे पास सल्फर है एटॉमिक नंबर 16, तो उसके वैलेंस संग में बात करें तो 3s में दो होगा, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3s में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, और आपके 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन। देखो फिलहाल में कितने, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, तो उसके 3p का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर जाएगा, 3d के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 3d एज अ वैकेंट के रूप में जो प्रेजेंट था, जो अभी तक भरा हुआ नहीं था, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन हमको कितने चाहिए, हमको टोटल कितने चाहिए, दो दो चार दो छह दो 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम करते क्या है, हम एक बार इसको और एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, जिससे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। ओके बात है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये ऑक्सीजन पहला था, और सभी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को भी बना देते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम भी आपको ये बताया था, इसका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट अब भी बता देते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये सल्फर का ठीक है, आपके चारों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अच्छे से लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना है, ठीक है। तो एक इसके बैलेंस सेल में 2s में दो और 2p में चार, सभी के बैलेंस सेल के यही बात होगी, तो सभी का पहले बना लें, 2s में दो और आपके 2p में कितने, चार, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन। इनकी भी बात करें तो इनके भी दो और चार, एक दो तीन चार, इनके भी 2s में दो और आपके 2p के अंदर चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार चार, ठीक है। चलो और लास्ट वाले ऑक्सीजन के पास भी 2s में दो इलेक्ट्रॉन और उनके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन और चार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब बाकी बचे दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन में आपको SO4 2- पढ़ाया था, उसमें भी हमने आपको एक बात बताई थी कि ऑक्सीजन के पास जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा क्या करता है, किसी भी दूसरे के साथ हमेशा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ऑक्सीजन के इस एटॉमिक ऑर्बिटल ने इस 3d के साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखो ये क्या है, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ये d एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, मतलब pd ओवरलैपिंग, और pd ओवरलैपिंग से क्या होता है, हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सबको मालूम है। देखो इस ऑक्सीजन के पास का भी ये इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन सॉरी इस ऑक्सीजन का ये 2p का इलेक्ट्रॉन सल्फर के 3d के इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करेगा, वहां पे भी क्या करेगा, पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। देखो तो दोनों पाई बॉन्ड निपट लिए, वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखो एक दो तीन चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे है, और हमारे पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब क्या कर सकते हैं, जितने भी बनेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, उससे पहले क्या होगा, ये सभी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जाएंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिनका नाम क्या होगा, SP3, क्योंकि एक यस और तीन पी एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बने हुए हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और क्या कर लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। इस सब को आप क्या डिनोट कर दो, SP3D हो गया, सॉरी सॉरी SP3 सिर्फ हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये क्या है, ऑक्सीजन का 2p वाला इलेक्ट्रॉन है और सल्फर का 3p वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, p और p के बीच बॉन्ड बना, p और p के बीच बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया जा सकता है। हमने बहुत डिटेल में शुरुआत में बात की थी, ठीक
उसके बाद ये ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सभी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते। तो देखो यहाँ पे जितने भी हमने बॉन्ड बनाए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, सभी बॉन्ड पेयर है, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। मतलब इसका जो भी शेप होगा वो रेगुलर होगा। और देखो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अब कोई बॉन्ड पेयर है भी नहीं तो हमें इसका बॉन्ड पेयर नहीं है, मतलब टेट्राहेड्रल से कोई डिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, रहेगा वही ही। तो सल्फर आपके बीच में, उससे यहाँ पे तीन ऑक्सीजन ऐसे जुड़े रहेंगे और ऊपर क्या होगा, ऊपर एक ऑक्सीजन और पूरे कंपाउंड के ऊपर क्या है, 2- का चार्ज है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109°28′, ठीक है। तो इसके साथ हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ तक नोट कर लो, बात करते हैं वास्पर थ्योरी के मेरिट डिमेरिट के बारे में, ठीक है, नोट कर लो।